पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, आराम आराम से, आराम से पढ़ो, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से पढ़िए, नहीं डिस्टेंस बना के रखिए, डिस्टेंस बिल्कुल बना के रखिए। 26 दिनों से लगातार जन अधिकार सेवा दल जितने भी ज़रूरतमंद हैं, कोरोना मरीज हैं, कोरोना मरीज के जो परिजन हैं, रिक्शा चालक, ठेला चालक, रैन बसेरा में जितने रह रहे हैं, अन्य जितने भी सरकारी हॉस्पिटल, एम्स, IGMS, महावीर वत्सल, PMCH के इर्द गिर्द, NMCH के इर्द गिर्द, और जितने भी जगह से फ़ोन आ रहे हैं, उन सभी जगह लगातार 26 दिनों से हमारे जितने भी टीम है सभी खाना पहुंचा रहे हैं। मैं खुद भी इसमें हर जगह जाकर देख रहा हूं, खुद भी एक्टिव रहता हूं, और साथ में जो दो दिन से भारी बारिश पड़ी है ना, उसमें भी, उस जल जमाव वाले क्षेत्र में भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि जहां पर खाने के लिए किल्लत है, वहाँ भी हम लोग खाना पहुँचा रहे हैं। हमारा सेवा दल टीम जो है लगातार रात दिन मेहनत कर रही है, लगी हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये जल जमाव वाला समस्या कब ख़त्म होगी? पिछले साल भी जल जमाव देखे, उसके पिछले साल भी जल जमाव देखे, और निरंतर ये सरकार के रवैये से जल जमाव वाली स्थिति कब ख़त्म होगी? आखिर सरकार तो बताए कि नगर निगम वाले कितना दुरुस्त हैं, नाले की सफाई हुआ कि नहीं हुआ, आगे फिर बरसात आने वाली है, फिर पटना की स्थिति क्या रहेगी, फिर कहीं 2019 वाला तो नहीं कांड दोहराया जाएगा। इन सब पहलुओं पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि पटना में मात्र 4-5 घंटे की बारिश में जल जमाव जैसी स्थिति हो जाती है। और जन अधिकार सेवा दल आप लोग के लिए एकदम समर्पित है, एक्टिव है, हर मोर्चे पर, हर सहयोग में, और लगातार आगे भी करते रहेगी, जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक कोरोना काल रहेगा, जब तक जल जमाव वाली स्थिति रहेगी, जब तक ज़रूरतमंद को खाने की ज़रूरत रहेगी, दवाई की ज़रूरत रहेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत रहेगी, हम आपके साथ हैं। इधर खाना लेने के लिए आ जाइए, आराम से पढ़िए, नहीं डिस्टेंस बना के रखिए, डिस्टेंस बिल्कुल बना के रखिए, बना के रखिए, लड़कन का है, लड़कन का है, लड़कन को मिल गया, चल चल लाइन में, 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 लाइन में